मथुरा के श्री कृष्ण जन्मभूमि शाही ईदगाह परिसर का सर्वे कराने के हाईकोर्ट के आदेश पर सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दी है। मंगलवार को सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हिंदू पक्ष की मांग अभी स्पष्ट नहीं है। कोर्ट ने हाईकोर्ट के कमिश्नर सर्वे के आदेश पर रोक लगा दी है। सुप्रीम कोर्ट में मुस्लिम पक्ष ने हाईकोर्ट की कमीशन सर्वे के फैसले के खिलाफ याचिका दाखिल की थी। मध्य प्रदेश, राजस्थान समेत उत्तर भारत और पूर्वोत्तर भारत के 18 राज्यों में मंगलवार की सुबह घने कोहरे के साथ हुई। हरियाणा, पंजाब और दिल्ली में कोहरे का रेड अलर्ट है। दिल्ली में जीरो विजिबिलिटी के कारण हवाई और रेल यात्रा पर काफी असर पड़ा है। आज दिल्ली में 30 से ज्यादा फ्लाइट रद्द कर दी गई। भारत जोड़ो यात्रा के तीसरे दिन राहुल गांधी ने कोहिमा के विश्वमा गांव से यात्रा की शुरुआत कर दी है। उनके साथ बड़ी संख्या में स्थानीय लोग जुड़े हैं। कोहिमा में लोगों को संबोधित करते हुए राहुल ने कहा कि इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता है कि आप छोटे राज्य हैं, आपके देश के बाकी लोगों जैसे बराबरी का दर्जा मिलना चाहिए। जल जीवन मिशन घोटाले केस में प्रवर्तन निदेशालय ने मंगलवार को पूर्व मंत्री महेश जोशी और उनसे जुड़े लोगों के ठिकानों पर छापे मारे। जयपुर, दिल्ली और गुजरात की 10 टीमों ने आज सुबह 5 बजे जयपुर, बांसवाड़ा समेत कई शहरों में स्थित ठिकानों पर छापे की कार्रवाई शुरू की। इनमें पूर्व मंत्री महेश जोशी के 2 घर, जलदाय विभाग के 2 ठेकेदारों और 2 अधिकारियों के ठिकाने शामिल हैं। पंजाब के कपूरथला के फगवाड़ा स्थित गुरुद्वारा चौराहू साहिब में निहंग ने बेअदबी के शक में युवक की हत्या कर दी। युवक को तलवार से काटकर मारा गया है। वहीं कत्ल से पहले उसने युवक की वीडियो बनाई जिसमें युवक यहां बेअदबी करने आया है। उसे बेअदबी के लिए रुपए मिलने थे। बेअदबी के लिए उकसाने के लिए वह किसी सुखी का नाम ले रहा है।